हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आ गई हूँ सांताली साड़ी ड्रॉपिंग, जो कि है इंडियन फोक डांस। इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी, तो साड़ी को मैं अच्छी तरीके से ड्रॉप करने की कोशिश की हूँ। आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं एक सिंपल साड़ी ली हूँ और इसमें जो साड़ी पहना जाता है वो ट्रेडिशनल संबलपुरी साड़ी पहना जाता है, पर मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए उसी टाइप का मिलता जुलता कोई भी साड़ी ली हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आपको पेटीकोट वेयर कर लेना है, थोड़ा सा शॉर्ट ही रखना है, मतलब पैर बिल्कुल नीचे तक उसको नहीं रखना है, और साड़ी को भी बिल्कुल थोड़ा सा पेटीकोट के साथ ही रखना है, मतलब ज़्यादा नीचे और ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरीके से ही करना है। अगर फिर भी कोई भी चीज़ रह जाता है तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने बस जितना नोटिस किया और जितना देखा उस डांस को, उसी हिसाब से मैंने साड़ी ड्रॉपिंग की है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक्स हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं साड़ी को एक बार घुमा चुकी हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लेट्स नहीं डालेंगे। दोनों साइड के साड़ी को आप देख सकते हो मैंने कैसे फोल्ड किया, आपको बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड करना है, और फोल्ड करके आपको दोनों साइड पे ऐसे टकिंग कर देना है, पर थोड़ा सा शॉर्ट, मतलब जितना साड़ी हमने पहले से रखा है आपको बिल्कुल उसी तरीके से ही यहाँ पे दोनों साइड पे अंदर की तरफ टकिंग करके दोनों साइड पर फोल्ड कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो पेटीकोट के जो धागा है उसको थोड़ा सा आपको टाइटली ही रखना है, क्योंकि डांस के लिए हम कर रहे हैं, तो डांस के लिए हमेशा आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के आपको टाइट ही रखना है। और अगर आप तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि डांस रिलेटेड हमेशा से मैं टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साड़ी को टकिंग करने के बाद फिर से हमें दोबारा साड़ी को उल्टा करना है, और उल्टा करके बिल्कुल उसी तरीके से ही अंदर की तरफ टकिंग करके दोनों साइड पर हमें टक कर देना है। तो यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली ही साड़ी को कंधे पे डाल देना है। तो आप देख सकते हो मेरे कंधे पे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक फोल्ड की तरह साड़ी यहाँ पे रही है। उसके बाद अपने हाथों से सारे जो कंधे पे हम प्लेट्स डालते हैं आपको अपने हाथों से ही उसको सेट करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अपने हाथों से सेट करते जाना है और फोल्ड करते जाना है और प्लेट्स बनाते जाना है। उसके बाद एक सेफ्टी पिन की मदद से उसको अच्छे तरीके से सिकर कर देना है। तो यहां तक करने के बाद यहां पे जो एक्स्ट्रा साड़ी बच जाता है अपनी राइट साइड के कॉर्नर पे, आपको पीछे की तरफ उसको टकिंग कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो साड़ी मेरा थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए मैं उसको दो बार घुमा रही हूँ। अगर आपकी साड़ी थोड़ा सा शॉर्ट है तो आपको एक बार भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं दो बार घुमाने के बाद साड़ी को ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपकी साड़ी शॉर्ट है तो आपको बिल्कुल इसी प्रोसेस को एक बार में करना है, पर मेरी साड़ी थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए मैं एक बार यहाँ पर और एक फोल्ड डाल रही हूँ। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से ही करना है। उसके बाद यहाँ पे अंदर की तरफ आपको टकिंग करके दोनों साइड पे टाइटली ही टक कर देना है, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ तक रख सकते हो, पर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे एक कमर चेन डाल दिया है, ताकि ये थोड़ा सा टाइटली ही रह पाए। तो ये है इसका फाइनल लुक, आप देख सकते हो ये इंडियन फोक डांस है। तो आपको ये वाला साड़ी ड्रॉपिंग कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में देखना है वो भी मुझे कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। तो मैं मिलूँगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए रहती हूँ, बाय बाय।